दोस्तों, अगर आप भी फेसबुक के प्रोफेशनल मोड को टर्न ऑन करना चाहते हो अपने फेसबुक प्रोफाइल में, तो ये वीडियो को आप फॉलो करना। एक्चुअली जब भी आप फेसबुक का ये करते हो, मतलब फेसबुक के जो प्रोफाइल्स हैं उसको अगर आप प्रोफेशनल मोड में टर्न ऑन करना चाहते हो, तो एक्चुअली ऑप्शन आता ही नहीं है, मतलब ऑप्शन आ ही नहीं रहा है। तो कैसे आपको फिक्स करना है, ये आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक्चुअली गाइस, अगर आप गूगल क्रोम पे जाओगे और अगर आप सर्च करोगे फेसबुक को टर्न ऑन कैसे करना है, फेसबुक प्रोफेशनल मोड को, तो एक्चुअली अगर मतलब बहुत सारे ऑप्शन मैंने ट्राई करा, ठीक है, मतलब गूगल क्रोम पे ऐसे ऑप्शन आ नहीं रहा है, तो कैसे उसको फिक्स करना है वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैंने बहुत ट्राई करा और एक्चुअली देखो गाइस, एक्चुअली होता ये है ना कि यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे आता है, जैसे कि ये आप देख रहे हो, ये आइकन पे क्लिक करना होता है, ये जो आइकन आप देख रहे हो, इस पर क्लिक करने के बाद फिर सिंपल सा ऑप्शन यहाँ पे आ जाते हैं फेसबुक प्रोफेशनल मोड टर्न ऑन करने का, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लो, जैसे ये थ्री डॉट है, थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद ये मेटा वेरीफाइड जो यहाँ पे देख रहे हो ना, मेटा वेरीफाइड के जस्ट ऊपर में यहाँ पे ऑप्शन आता है टर्न ऑन फेसबुक वेरिफिकेशन मोड का, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन, तो आपके केस में भी कुछ ऐसा ही हो रहा होगा, मेटा वेरीफाइड के जस्ट ऊपर में जो यहाँ पे यहीं पे जस्ट ऑप्शन आता है टर्न ऑन फेसबुक प्रोफेशनल मोड का, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो कैसे आपको फिक्स करना है आज इसके इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। एक्चुअली आपको देख लो गाइस, सबसे पहले आप क्यों मतलब प्रोफेशनल मोड को ऑन करना चाहते हो, प्रोफेशनल मोड को ऑन इसलिए आप करना चाह रहे हो क्योंकि आप अपने फेसबुक के प्रोफाइल को पब्लिक करने जा रहे हो, मतलब प्रोफेशनल मोड जो ऑन करते हो आप, मतलब आप देख लो कितने जितने भी फेसबुक के या फिर टिकटॉकर्स वगैरह होते हैं उसके क्या है, सारे प्रोफाइल पब्लिक होते हैं, ठीक है, मतलब उनको कोई मतलब नहीं होता है कि क्या हो रहा नहीं हो रहा है, मतलब लोग उसके बारे में क्या बोलते नहीं बोलते, मतलब एक अलग ही दुनिया से हटना होता है आपको। तो उसके लिए आपके प्रोफाइल पब्लिक होना चाहिए। आपने क्या गलती कर रखा है, आपने अपने प्रोफाइल को पब्लिक ना करके, मतलब आपने अपने प्रोफाइल को वो कर रखा है, मतलब कि प्राइवेसी लगा रखा है कि कौन मतलब चेकअप कर सकता है, कौन आपके वीडियो देख सकता है, कौन आपके पोस्ट देख सकते हैं। तो आपके प्रोफाइल पे किसी भी तरह के रेस्ट्रिक्शन नहीं होने चाहिए, ठीक है, और ये मेटा वेरीफाइड का ऑप्शन जो दिख रहा है यहाँ पे, मेटा वेरीफाइड के ऑप्शन भी होने चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये रेस्ट्रिक्शन वगैरह सब कुछ हटाने होंगे गाइज। हटाने के लिए आपको क्या करना होता है, कुछ सेटिंग्स है जो कि आपको फॉलो करना होता है। तो यहाँ पर देखो गाइज, कुछ इस तरह से ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपको सिंपल सा अनलॉक प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। और देख लो गाइज, ये मेरा लॉक है, यू लॉक योर प्रोफाइल, आपने भी अपने केस में ये प्रोफाइल को लॉक कर रखा होगा, ठीक है, क्योंकि लड़कियाँ लोग जो होती है, मतलब ये लड़की का कोई प्रोफाइल है, तो और मेरी सिस्टर का प्रोफाइल है सर, ठीक है, और ये जो सिस्टर मतलब लड़कियां लोग जो होती है प्रोफाइल को हमेशा लॉक करके रखती है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि मतलब वो होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि मतलब आपके प्रोफाइल को अनलॉक करना है, ठीक है। तो सी योर प्रोफाइल के ऑप्शन पर सिंपल सा क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में सिंपल सा ये आप देख सकते हो, दिस कंटेंट ऑन योर प्रोफाइल इज पब्लिक, ठीक है, मतलब देखो इतने इतने सारे चीज़ हैं जो कि मुझे इस प्रोफाइल पर दिखेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद फिर सिंपल सा एडिट प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होता है। जैसे आप एडिट प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख लो, शो ऑन प्रोफाइल ये सब क्लिक कर दो, ठीक है। इतना करने के बाद फिर सिंपल सा ये करना होता है, उसके बाद फिर आप देख लो गाइस, इतने करने के बाद फिर सिंपल सा एग्जिट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे आप इस पर क्लिक करते हो सी योर प्रोफाइल, यहाँ पे अनलॉक का ऑप्शन दिख रहा है, देख रहे हो आप, अनलॉक का ऑप्शन ये है ना, अनलॉक के ऑप्शन से सिंपल सा इस पर क्लिक कर लेना, अनलॉक योर प्रोफाइल, यहाँ पे देखो सबसे नीचे अनलॉक योर प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपल सा इस पर क्लिक करना है और आपको अपने प्रोफाइल को अनलॉक कर लेना है। आप देख लो गाइस, यू अनलॉक योर प्रोफाइल, मैंने प्रोफाइल को अनलॉक कर दिया, ये आपको भी करने होंगे, ये मैंडेटरी है, अगर आप ये करोगे तब भी मतलब ऑप्शंस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इतना ही करना है, उसके बाद फिर और भी ऑप्शन है जो कि आपको करने होंगे, लाइक प्राइवेसी सेंटर पे आपको क्लिक करना है, यहाँ देख लो प्राइवेसी सेंटर पे क्लिक करना है सिंपली। जैसे आप प्राइवेसी सेंटर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख लो सी योर अकाउंट वगैरह सब कुछ देखने को मिल जा रहा है, और यहाँ पे देख लो गाइज, प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड योर इन्फॉर्मेशन, ऐसा कुछ ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। सिक्योरिटी, कीप योर इन्फॉर्मेशन सिक्योर, प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी, इस पर सिंपल सा क्लिक करना है गेट स्टार्टेड पे, और रिव्यू योर सिक्योरिटी सेटिंग, इस पर सिंपल सा क्लिक कर लेना, और यहाँ पे देखो रिव्यू योर सिक्योरिटी सेटिंग, तो फेसबुक पे सिंपल सा क्लिक कर लेना, ठीक है। इतना करने के बाद फिर सिंपली सा गाइज, कुछ प्रोसेस है जो कि आपको फॉलो कर लेना है। तो यहाँ पे देख लो गाइज, कुछ इस तरह से ऑप्शन हैं आपको जो ट्राई करना है, और यहाँ पर मुझे चेंज पासवर्ड वगैरह सब कुछ देखने को मिल रहा है, तो मुझे एक्चुअली अभी फेसबुक पासवर्ड वगैरह चेंज नहीं करना है। और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जो कि मुझे एक्सप्लोर करने में, कंट्रोल हु कैन सी व्हाट यू शेयर ऑन मेटा, तो सिंपल सा इस पर क्लिक करना है गेट स्टार्टेड पे, ठीक है। रिव्यू योर शेयरिंग सेटिंग, इस पर सिंपल क्लिक करना है, फेसबुक पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट कर लेना आपको, ठीक है। और यहाँ पर हु कैन सी व्हाट यू शेयर, तो इस पर सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर सिंपल सा गाइस आप देख रहे हो यहाँ पे सब कुछ देखने को मिल जा रहा है, और सब कुछ पब्लिक 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 होने चाहिए, ठीक है। फ्रेंड्स एंड फॉलोइंग, हु कैन सी योर फ्रेंड्स लिस्ट ऑन योर प्रोफाइल, तो इसमें सिंपल सा पब्लिक पे आप क्लिक कर दो, ये मैंडेटरी है, ठीक है। लोग यहीं पे मिस्टेक करके रखते हैं, पब्लिक पब्लिक पब्लिक, सब कुछ पब्लिक होने चाहिए, और फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स इसको भी पब्लिक कर दो,
इसको भी पब्लिक कर दो, और सब कुछ पब्लिक होने चाहिए, ठीक है, एवरीथिंग शुड बी पब्लिक ऑन योर प्रोफाइल। सिंपल सा नेक्स्ट 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 पे क्लिक करना होता है, पब्लिक स्टोरेज, स्टोरेज अगर पब्लिक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, पब्लिक पे करो, हाँ ठीक है, चलो सब कुछ पब्लिक मैंने कर दिया, स्टोरी यू हैव म्यूटेड, फ्रेंड फ्रेंड सब कुछ पब्लिक है, लिमिट सब कुछ पब्लिक है, चलो गाइस ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ब्लॉकिंग यू ऑल सेट, रिव्यू अनदर टॉपिक, सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। उसके बाद हाउ टू कीप योर अकाउंट सिक्योर, मतलब सब पे जाके पब्लिक आपको करना है, ठीक है, जहाँ पे भी ऑप्शन दिख रहा है सारे ऑप्शन को आपको जाकर पब्लिक करना है, टर्न ऑन अलर्ट्स वगैरह सब कुछ जहाँ भी दिख जाएंगे आपको, सिंपल सा आपको जाके वहाँ पे पब्लिक 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 और कुछ नहीं, ठीक है, क्योंकि पब्लिक ही डिमांड में है गाइस। इतना करने के बाद फिर सिंपल सा आपको कुछ इस तरह से बैक कर लेना है, बैक करने के बाद फिर आप देख सकते हो गाइस मेटा वेरीफाइड कुछ इस तरह से ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और सिंपल सा इतना करने के बाद फिर आप देख सकते हो गाइस टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड। इतना कुछ करने के बाद फिर यहाँ पे ऑप्शन फाइनली फाइनली आपको ऑप्शन दिख चुका है। और हाँ, अगर आपके केस में भी ये टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड का ऑप्शन दिख चुका है तो आप भी ये करना, ठीक है, आप भी वीडियोस को लाइक करना भी भाई, और सब्सक्राइब शेयर एंड हो सके तो कमेंट भी करना भाई, मेरा हो गया, मैंने अपने फेसबुक प्रोफाइल के प्रोफेशनल मोड को टर्न ऑन कर लिया, ठीक है, तो इतना ही करना है गाइस, टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड इस पर सिंपल सा क्लिक करना है, और यहाँ पर देख सकते हो टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड, टर्न ऑन पे सिंपल सा मैंने क्लिक करा, और अब देखो गाइस ये हो गया मेरा। और इतना करने के बाद फिर एड योर बायो, अब आप यहाँ पे मतलब प्रोफेशनल मोड को तो आपने टर्न ऑन कर दिया, एड ए कवर फोटो, एड ए प्रोफाइल पिक्चर, इतना करने के बाद फिर सिंपली से गाइस क्रिएट न्यू कंटेंट कम्प्लीटेड, ठीक है, इतना करने के बाद फिर सिंपली सा आप क्या करोगे, आप फोटोज वगैरह क्लिक कर दो, चेक इन कर दो, ठीक है, अब सिंपली से गाइस आपका प्रोफेशनल मोड ऑन हो चुका है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर सी डैशबोर्ड, डैशबोर्ड का ऑप्शन दिख रहा है, मतलब प्रोफेशनल मोड ऑन है और उस अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखो 3,399 फॉलोवर्स, मतलब आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो फॉलोवर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, और आप भी अपने फेसबुक के प्रोफेशनल मोड को टर्न ऑन कर चुके हो, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने भी टर्न ऑन कर चुका है, ठीक है। इतना करने के बाद फिर सिंपल था गाइस, आप देख लो सारे सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि फेसबुक के प्रोफेशनल मोड को टर्न ऑन करने के बाद मिलते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो पहली बार विजिट करें तो फिर सब्सक्राइब करना, मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड विद आवर लेटेस्ट वीडियो।